अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सुलेमान मलिक AB9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। 17 तारीख के दिन कारवान के रहने वाले मोहम्मद मुजीब नामकारी एक शख्स ने ACB को आके एक दरखास्त दर्ज किया है। उसने ये कहा था कि उनके फर्जंद आतिक को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे डिटेन करे बोल के, आतिक ने अपने डाउन पेमेंट नहीं किया बोल के शोरूम वाले कंप्लेंट दिए बोल के, वो कंप्लेंट के सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस उसको लेके जाके हिरासत में ले ली बोल के उसने आके कंप्लेंट किया था। वो इसको छोड़ने के लिए 30,000 मांगे बोल के बोल रहे थे। उसने आके हमारे ACB को रब किया था। हमने जब तहकीकात शुरू किया है तो 10 तारीख के दिन भी फिर वो शख्स ने फिर ACB अपने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को आया, जो SI श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने 10,000 डिमांड किया। एक फ़ोन रखे उसके बच्चे को रिहा कर दिए थे, वो फ़ोन देने के लिए उसने 10,000 का डिमांड किया था। उसमें फिर 8,000 देते हुए आज रंगे हाथे वो SI श्रावण कुमार बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे से पैसे पूछ रहे हो, बच्चे पे कुछ केस दर्ज है क्या बहादुरपुरा के? वो हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, उसमें मालूम हो जाएगा हमारे को। और कहाँ के रहने वाले हैं सर? एक कंप्लेंट कारवान का रहने वाला है और उसका बच्चा आतिक तो यहाँ पे बहादुरपुरा लिमिट्स में बाबा नगर पे रह रहा है। उसके अंदर कुछ गाड़ी भी रिकवर करी सर? वो अभी नहीं मालूम है, हम लोगों का तहकीकात करना ज़रूरी है। और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी सरकारी दफ्तरों में जायज़ और कानूनी कार्रवाई के लिए अगर कोई भी लोग अगर आपको रिश्वत मांग रहे हैं, आप लोग 1064 नंबर पे टोल फ्री नंबर है, आप हमारे से रब्त कर सकते हैं। पैसे वगैरह बताइए।